खबरी आ रही है कि रिलायंस जियो अब आपको 30 जून तक मिलेगी, यानी कि रिलायंस का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर था वो अब 30 जून तक एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन आपको अब कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं इस ऑफ़र को एक्सटेंड करने के लिए, और इसके लिए आपको लगभग 100 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा। और ये रिचार्ज करवाने के बाद जो आपका हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र है वो 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी 90 डेज से ज़्यादा कोई भी फ्री सर्विस नहीं दे सकती, तो इसीलिए ये पैसे आपको इस बार देने पड़ेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस जियो का जो ऑफ़र था वो ऑफ़र मार्च तक कैसे दी थी। तो रिलायंस ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र में बहुत कुछ चेंजेस किए थे और प्लान में भी बहुत कुछ चेंज करके ही इस ऑफ़र को एक्सटेंड किया था 31/5/2017 तक। लेकिन तब भी बाकी सारे नेटवर्क ने रिलायंस जियो के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन ट्राई को की थी और इस ऑफ़र को एक्सटेंड होने में बहुत सारे इशू हुई थी। तो रिलायंस जियो इस बार आपको फ्री नहीं देने वाली, यानी कि आपको 3 महीने के एक्सटेंड के लिए 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, रिलायंस जियो का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है, इस ऑफर को एक्सटेंड करने की यहाँ पे दो रीज़न सामने आ रही है। पहला जो हो गया कॉल ड्रॉप इशू। अगर आप एक रिलायंस यूजर है तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस जियो का जो कॉल ड्रॉप इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है 100 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करना। हालांकि रिलायंस ने अभी तक 72.4 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर चुका है और ये 100 मिलियन का टारगेट भी आने वाले कुछ महीनों में ये कंप्लीट हो जाए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर आ रही है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में इसके बारे में दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि रिलायंस ये खुशखबरी कब तक अनाउंस करती है। तो ये खबर आती है, इसकी पूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस